जी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कल अहम मैच लीड्स के ग्राउंड में खेला जाएगा, जहाँ इस वक्त कौमी टीम प्रैक्टिस करने में मसरूफ है। कौमी टीम के खिलाड़ियों को प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक लेक्चर भी दिया गया, जिसका मतलब यह था कि मोटिवेशन उनको किया जाए, तो ये इस बात का एहसास दिलाया जाए कि यह मैच पाकिस्तान के लिए कितना अहम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौमी खिलाड़ी इस वक्त ट्रेनिंग करने में मसरूफ है, अपनी बैटिंग और जो बॉलिंग की कमजोरी के साथ साथ फील्डिंग की खामियों को भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से लीड्स का ग्राउंड इतनी ज़्यादा खुशगवार यादें नहीं रखता, लेकिन यहाँ यही कहा जा रहा है कि हर मैच के क्योंकि एक नया दिन होता है, तो यहाँ पर जो बैटिंग विकेट्स को तैयार की गई है मैच के लिए, इस पर खास से रन होने का इम्कान है, टॉस की अहमियत ज़्यादा होगी। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी खास से पुरजोश हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को हराने के बाद अब पाकिस्तान के पास सिर्फ दो मरहल बाकी सेमीफाइनल को क्वालिफाई करने में। पहला मरला ये होगा कि उसको अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छे रन से अपने माध्यम से कामयाबी हासिल करना होगी। इसके बाद फिर 5 जुलाई को लॉर्ड्स के ग्राउंड में बांग्लादेश के साथ उसका मैच है, जिसके लिए खास से पुर उम्मीद है। तमाम लोग यहाँ पर जितने लोगों से भी बात, उनका यह कहना है कि पाकिस्तान टीम का मोरल इसको खासा बुलंद है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश और अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में भी पहुँचेगी। अब देखना यह किस विकेट पर जो बैटिंग के लिए साजगार है पाकिस्तानी खिलाड़ी किस कदर परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान को ना सिर्फ अच्छी बॉलिंग करना होगी बल्कि फील्डिंग की खामियों को भी दूर करके खुद को एक यूनाइट एक कॉम्बिनेशन के साथ अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना होगा। फिलहाल अभी तक कोई इत्तलात है पाकिस्तान टीम में कोई अपना उसकी तब्दीली का इम्कान नहीं है। जो टीम खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ और उसी में तकरीबन उसके साथ ही टीम मैदान में उतारने जाने का ज़्यादा इम्कान है। अब देखना यह कि जो वेदर है वो कल बिल्कुल साफ है, वेदर है, बारिश का कोई इम्कान नहीं। इस वक्त हल्के से बादल यहाँ पर ज़रूर मौजूद है, लेकिन कल बिल्कुल मतलब साफ होगा, बारिश का कोई इम्कान नहीं। पूरा मैच यहाँ पर हम देख सकेंगे।